हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप भी जो है इस तरह का हैप्पी न्यू ईयर पे मतलब वीडियो बनाना चाहते हैं, स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो गाइस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस तरह का जो है वीडियो एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे गाइस हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि ये कुछ इस तरह का एप्लीकेशन है गाइस। इस एप्लीकेशन का नाम है गाइस काइन मास्टर। तो दोस्तों, अगर आपके पास अगर ये नहीं है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप जो वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और गाइस डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी अपना काइन मास्टर ओपन करा है। और ओपन करने के बाद सिंपली से यहाँ से करना क्या है, प्लस का जो आइकन दिख रहा है इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से हमें करना क्या है, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर थ्री प्रोजेक्ट दिखेगा। तो यहाँ से जो फर्स्ट वाला है 16:9 इस पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के बाद करना क्या है, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और सिंपली से क्लिक कर लेने के बाद बैकग्राउंड पे, और बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से देखिए आपको एक ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। अब इस बैकग्राउंड को कर लेना है गाइज ऐसे बड़ा, मतलब जितना बड़ा आप एडिटिंग करना चाहते हैं वीडियो उतना बड़ा। उसके बाद यहाँ पे फिर फर्स्ट मांगेंगे, फर्स्ट मांगने के बाद करेंगे लेयर पर क्लिक, फिर मीडिया पर क्लिक। और मीडिया पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से जो हमें करना क्या है, एक जो है पिक्चर आपको ये ले लेनी है, ये PNG पिक्चर मैंने इसे पिक्सल लैब से क्रिएट किया है, इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, है ना। तो इसे मैं ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इस पर क्लिक करेंगे, इसकी साइज़ को कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पे बड़ा करेंगे, और यहाँ पे नीचे ऐसे ले लेंगे, ऐसे यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे हल्का सा और नीचे। अब इसे कर लेंगे पूरे वीडियो के एंड तक, एंड तक हो जाने के बाद देने आप फर्स्ट मांगेंगे, फिर लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर मीडिया पे। और मीडिया पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आप जो फोटो मतलब इसमें देना चाहते हैं, जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो, उस फोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से चले मैं एक फोटो जो है सिलेक्ट करके बस आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से आप जो फोटो इसमें ऐड कीजिएगा उसी फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से चले मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ फिलहाल, ये वाला फ़ोटो एक यहाँ से गाइज, ये कुछ इस तरह की फ़ोटो है, ऐसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, है ना। अब इस पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से गाइज आप इसके साइज़ को ऐसे देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा छोटा बड़ा अपने हिसाब से, और यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट हो गया। अब इसे कर लेंगे पूरे वीडियो के एंड तक, एंड तक हो जाने के बाद फर्स्ट मांगेंगे, फर्स्ट मांगने के बाद करेंगे लेयर पर क्लिक, और यहाँ से लेयर पर क्लिक हो गया। अब लेयर पर क्लिक करने के बाद सॉरी मीडिया पर क्लिक करेंगे, और मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है हमें एक जो है इफेक्ट वीडियो डाउनलोड करनी है, जो कि फायरवर्क्स इफेक्ट वीडियो है, इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन से इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करके इसमें जो है ट्रिम थोड़ा कर दे रहा हूँ, ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हेड करके काट देंगे। अब इस फायरवर्क्स वीडियो को इधर खींच लेंगे, खींचने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से कैंची के बगल का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके पूरे साइज़ को फुल स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद दिन बैक आएंगे, बैक आने के बाद ऊपर आएंगे सॉरी नीचे आएंगे एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे, और एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसके कलर को यहाँ से कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके देने यहाँ से यस कर देना है। यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ तक हो जाने के बाद करेंगे इस वीडियो की इधर खींच लेंगे। अब ये जो 2021 वाला जो है इमेज है इस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट हो गया। अब इस पिक्चर पे भी क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट तो हो, यहाँ तक तो हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ से वीडियो ऐसे यहाँ पे बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब करना है इस वीडियो पे क्लिक, और आ जाना है नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, और ये कर लेना है गाइज स्क्रीन, उसके बाद दिन यहाँ से यस कर देंगे, ये स्क्रीन रहने देंगे, स्क्रीन हो गया। अब दिन यहाँ से फिर बैक आएंगे, अब इस वीडियो को इधर खींच लेंगे, खींचने के बाद ये हो गया। अब करेंगे लेयर पे क्लिक, फिर मीडिया पे, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें करना क्या है, एक जो है पिक्चर ऐड करनी है, जो कि ये कुछ इस तरह के पिक्चर है, इसका मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, सॉरी पिक्चर नहीं वीडियो ऐड करनी, जो कि ये कलरफुल वीडियो है। तो यहाँ से मैं इस वीडियो को जो है सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये रहा गाइस वीडियो। अब इस पर क्लिक करेंगे और हल्का सा इसमें भी ट्रिम करेंगे, ऐसे कैंची पर क्लिक करके ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हेड करके काटेंगे। अब इस कलरफुल वीडियो को इधर खींचेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद कैंची के बगल का जो आइकन है इस पर क्लिक करके इसकी साइज को पूरा फुल स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद देने यहाँ से यस करेंगे, और इस पर क्लिक करके आएंगे नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर, और ये कर लेंगे स्क्रीन, उसके बाद देने यहाँ से यस कर लेंगे। अब यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक हो जाने के बाद करना क्या है गाइज, फर्स्ट माना है, और फर्स्ट माने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, ओवर एल पर क्लिक करेंगे, और ओवर एल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए आपको बहुत से इफेक्ट मिल जाएगा। आप इस गेट मोर वाले ऑप्शन से ये जो है जो मैं इफेक्ट यूज करने वाला हूँ ये आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए न्यू ईयर वाला, यहाँ से मैं एक ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से यस करेंगे। अब इसे यहाँ से ऐसे यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, अब इसे कर लेंगे पूरे वीडियो के एंड तक, एंड तक हो जाने के बाद करेंगे फिर इस पर क्लिक, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट हो गया। अब फिर इस पर क्लिक करेंगे और एक को जो है खींच कर यहाँ से गाइज यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, अब फिर इस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे और एक को जो है यहाँ से उठाकर गाइज यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से।
तो ऐसे एडजस्ट कर लेना है। अब एडजस्ट हो जाने के बाद करना क्या गाइस, यहाँ से फिर लेयर पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएंगे, फिर लेयर पे क्लिक करेंगे मीडिया पे, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद सॉरी लेयर पे क्लिक करेंगे ओवर एल पे क्लिक करेंगे, और ओवर एल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए मैंने एक ये जो इफेक्ट जो है जो कि सिलेक्ट किया है ये वाला, ये देखिए सॉरी इसमें नहीं ये वाला है, हाँ ये वाला हैप्पी न्यू ईयर वाला, इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से यस करेंगे, अब इसे यहाँ से करेंगे यहाँ से गाइज एडजस्ट कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, और फिर इस पर क्लिक सॉरी इस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, अब इसे कर लेंगे यहाँ से उठाकर यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ तक हो गया। अब अगर आप बीच में देना चाहते हैं तो इसे यहाँ पे बीच में भी दे सकते हैं, डुप्लीकेट करके यहाँ से उठाकर और यहाँ पे बीच में भी रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। अब यहाँ से इसे कर लेंगे पूरे वीडियो के एंड तक, ऐसे आप कर लीजिएगा पूरे वीडियो के एंड तक ये तीनों इफेक्ट को। अब इसे भी यहाँ से ऐसे खींच कर ऐसे कर लेंगे, है ना, अब ये रह गया, इसे भी ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ तक हो जाने के बाद फर्स्ट मैंने फिर लेयर पे क्लिक करना है ओवर एल पे, और यहाँ से देखिए ये माई स्टोरी फॉग जो है यहाँ से मैंने डाउनलोड कर रखा है, गेट मोर वाले ऑप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके देने यहाँ से यस करता हूँ, अब इसे यहाँ से ऐसे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके, अब इसे यहाँ से ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ से गए हमारे वीडियो जो बन के तैयार हो गया है, अब इसमें बाकी रहेगा सॉन्ग ऐड करना, तो यहाँ से ऑडियो वाले ऑप्शन से आएंगे और यहाँ से जो भी सॉन्ग यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर के सॉन्ग आप जो लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से चलिए मैं एक ये वाला सॉरी ये वाला, हाँ प्लस वाला आइकन में क्लिक करके सॉन्ग को ऐड कर लेंगे। अब दिन यहाँ से यस करेंगे, अब यहाँ से गए हमारी वीडियो जो है बनकर तैयार हो गया। अब चलिए मैं आपको इसे एक बार प्ले करके गए दिखा दे रहा हूँ। अब इस यहाँ से सेव करने के लिए करना है क्या, शेयर वाला ऑप्शन क्लिक करना है, और सिंपली से क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे वीडियो क्वालिटी आपको सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद देने यहाँ से सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है गाइज, इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे वीडियो के साथ, ओके बाय बाय।